रामपुर में बीजेपी ने नागरिक संशोधन अधिनियम के समर्थन में निकाली जन जागरण पदयात्रा। जहां एक तरफ नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं रामपुर में आज बीजेपी पार्टी की ओर से नागरिक संशोधन समर्थन में निकाली गई जन जागरण पदयात्रा और हजारों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी और मंत्री भी इस पदयात्रा में दिखाई दिए, जहां पर जमकर भारत माता की जय के नारों की गूंज भी सुनाई दी और वहीं पुलिस प्रशासन के भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम दिखाई दिए। यह पदयात्रा रामपुर के विभिन्न चौराहों से होती हुई थाना सिविल लाइन के पास अंबेडकर पार्क पर जाकर समाप्त हुई। वहीं भाजपा नेता भारत भूषण गुप्ता ने नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में बोलते हुए बताया कि यह यात्रा जागरूक करने के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं, और लोगों को नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। यह तख्ती और झंडे लेकर हम राष्ट्रवाद के साथ हैं और हम सब लोग एक हैं और हिंदुस्तान एक है। यह जो भ्रम पिलाया है दूसरे लोगों ने, उनको सबको यह शांति का संदेश देने के लिए, पैगाम देने के लिए आज यह पदयात्रा निकाली गई है। रैली निकाली जा रही, क्या मामला है बता? नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में, कानून के समर्थन में, कि ये किसी को जागरूक करने के लिए है, किसी के खिलाफ नहीं है और लोगों को नागरिकता देने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। ये तख्ती और झंडे लेके हम राष्ट्रवाद के साथ हैं और हम सब लोग हिंदुस्तान एक है, सारे लोग एक हैं। ये जो भ्रम फैलाया है दूसरे लोगों ने, उनको सबको ये शांति का संदेश देने के लिए, पैगाम देने के लिए आज ही मार्च किया।